सहगल के लिए पोस्ट। किसका है? सहगल के लिए चिट्ठी है, सी के सहगल, चिरंजीव कुमार सहगल। चिरंजीव कुमार सहगल, वो तो मैं ही हूँ। तो लीजिए ना। तो दे दो ना, कमाल है, बात करता है। वाह रे सहगल, तुझे भी शादी के कार्ड आने लगा है, तेरा भी वक्त आ गया है, लगता है अब तू भी बड़ा आदमी बन गया है। ओ माय गॉड, नो, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता है, नेवर। आप लोग जाकर खाना खा लीजिए। क्यों, क्या समझ लिया था? तेरी इतनी हिम्मत, वो तो हमारे खानदान की निशानी है। अभी मैं बाटा से, मेरे जूते का नाम है रे। मेरी बेटी की जिंदगी में तूने आग लगा दी टकले। फिक्र मत करो सासू जी, मेरा जो बेटा होगा उसी से तुम्हारी चिता को आग लगवाऊंगा। कौन है रे? छोड़ो मुझे, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं अगर चाहूं ना तो तुम लोगों को कपड़े की तरह धोकर यूं भाग सकता हूं। मैं क्यों नहीं भाग रहा हूं तुम लोगों को पता है? मेरी रोजा एक न एक दिन मेरे प्यार को जरूर समझेगी, मेरी दीवानी होकर मेरे पास आ जाएगी और मुझसे माफी मांगेगी। चल, बड़े बड़े गुंडे भी हमारे सामने इस तरह से बात नहीं करते, तू क्या उनसे बड़ा है? सर, आप मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा बेशक पकड़ लीजिए, लेकिन मेरे बाल को पकड़ने की हिमाकत मत कीजिए, छोड़ दीजिए। खुद को हीरो समझता है, भागते हुए आकर उस लड़की के गले में मंगलसूत्र क्यों बांधा? इसलिए क्यों मेरी धर्म पत्नी बने? पर इतने स्पीड में आने की क्या जरूरत थी तुझे, बता। बदला सर, बदला। बदले की वजह? बाल। बाल? यस यस सर, मेरे सर के बाल को देखिए सर। तेरे सर पे तो बाल ही नहीं है। ये तो आज की बात है सर, पर एक साल पहले मेरे सिर पर बाल ही बाल थे। चाहिए तो आप एक बार मेरा फ्लैशबैक देख लीजिए सर। सर, एक जमाना था जब हमारे सर पर एकदम घने बाल हुआ करते थे, मैं हीरो की तरह दिखता था। यही नहीं, मेरे गांव में तो मेरे दादाजी की भी चर्चा हुआ करती थी, उनकी 70 साल की उम्र में भी एक भी बाल नहीं उड़े थे। उनके बालों की चर्चा आसपास के गांव में थी, उन्हें बालों का देवता मानते थे, सारे टकले उनके बालों की पूजा करते थे। उनको यकीन था कि उनकी पूजा से उनके सिर पर फिर से बाल उग जाएंगे। मेरे और दादा के बीच बहुत प्यार था, मैं उनके सफेद बालों से प्रेम करता था और वो मेरे काले बालों से प्यार करते थे, और हम दोनों ही एक दूसरे के बालों को सजाते थे, संवारते थे। और एक दिन मेरे दादाजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और वो लड़की रोजा मेरे घुंघराले बालों की दीवानी हो गई। अगले हफ्ते मेरी शादी थी, शादी के कार्ड भी छपवाने को दे दिए गए, शादी के कार्ड भी छप कर आ गए। मैं मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन तभी मेरे दादाजी मर गए। दादाजी के मौत के सदमे से मैं पागल सा हो गया, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, मैं उनकी याद में रोता गया, मैं उनके बगैर बिल्कुल अकेला सा हो गया। मैं उनकी समाधि के पास बैठा हमेशा रोता रहता था, और उसके बाद एक एक करके मेरे सारे बाल उड़ते चले गए। गुजरता गया और मेरे सिर के सारे बाल उड़ गए। और एक दिन अचानक मेरे सास ससुर और मेरे होने वाली पत्नी मेरे घर पर आए। मैंने सोचा मेरी शादी के फिर से मुहूर्त निकालने के लिए आए हैं, पर ससुर ने कहा यह शादी नहीं हो सकती। मैं शौक में आकर वजह पूछा, मेरी सास ने कहा मेरी बेटी टकले से शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर मैं और शौक डूब गया। मैंने कहा शराबी जुआरियों को इनकार कर सकती है, लेकिन टकले को इनकार क्यों कर रही है, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव पकड़ा। लेकिन अगर आदमी दुबला हो गया हो तो वो मोटा हो सकता है, अगर मोटा हो गया हो तो दुबला हो सकता है, पर इस टकले का कोई इलाज नहीं है। पर टकला आदमी नालायक तो नहीं होता ना? करेक्ट है टकले।
मेरी बेटी का मानना है कि टकले के सर पर सहरा नहीं टिकेगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर ऐसी बात है सर तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं सर। मेरी बेटी ने तुम्हारे घुंघराले बाल देख के पसंद किया था। मेरी प्यारी रोजा, घर संसार बालों से नहीं बसते हैं, दिल से बसा करते हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो चेहरा वहरा नहीं देखते हैं। अगर तुम्हें बालों से इतना ही प्यार है तो मैं एक अच्छा सा विक ले लूंगा। I'm sorry, कूली से कर लूंगी, ड्राइवर से भी शादी कर लूंगी, लंगड़े से भी शादी कर लूंगी, पर टकले से कभी नहीं। मम्मी चलो। रोजा रोजा रोजा, ऐसे मत जाओ छोड़ के। अरे अब मेरा क्या होगा, ये कहाँ का न्याय है सर? आपका भी तो यही हाल है, एकदम सपाट सड़क है। सर आपके टकले को देखकर आपकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा, हाँ? चुपचाप बाजू वाले के साथ भाग। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी माय बॉय, वो घमंडी लड़की को लेकर आऊंगा और तुम्हारा घर संसार बनाऊंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। सर मैं इनके ससुराल गया हुआ था सर, वहाँ ताला लगा हुआ है सर। ताला लगा है? हाँ सर, कोई टकला उनकी बेटी के गले में मंगलसूत्र डाल गया, उनके सम्मान को सह न सके और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे, और इस हादसे के बाद पूरी फैमिली सिंगापुर चली गई सर। अरे कहाँ से आ गया? चलो मेरे रास्ते में तू किसी और से शादी कर रही है? अरे मम्मी, ये क्या है? वही रुक जा, मंगल सूत्र डाल दिया तो क्या तेरी पत्नी बन गई? मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहा है? अरे छोड़ो मेरा सूत्र मम्मी, अरे मेरी बेटी को अंधेरे में कहाँ लेके जा रहा है? अरे शादी हो गई तो सुहागरात नहीं होगी क्या? मुझे नहीं जाना, मेरी बेटी क्या तेरे साथ सुहागरात मनाएगी? छोड़ दे इसे, मुझे नहीं। जब मेरी बीबी को मेरे हवाले करते हो या नहीं? करो नहीं, करो। देखो उधर पैसा गिरा है, कहाँ पैसा? चलो चलो अंदर चलो, कहाँ पैसा के चक्कर में? अबे कमबख्त, तेरे ऊपर भरोसा किया, तूने मुझसे कहा, अभी अभी जवानी आई है, बहारों का फूल है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, अरे एकदम फ्रेश माल है, किस्मत खुल जाएगी मेरी, विश्वास करके मैंने मान लिया, तूने धोखा किया। हरी, हरी। आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ? अरे अब शादी हो गई ना, सुहागरात मना रहे होंगे। अरे बेटा गलत मत करना, अंदर मेरी बीबी है, मोटी सी है, अगर तुमने ये गलत कदम उठा लिया तो जिंदगी भर मुझे रोना पड़ेगा। बेटा कुछ भी जल्दबाजी में मत करना। ए, ए, बेटे की शादी खराब होने पर तू रोने की जगह डांस कर रहा है, कैसा पाप है तू? हा मेरे बेटे की शादी कभी बता तो। अरे जरा खोल तो। सब खुश किस्मत है चीची, मेरा मतलब है आप लोग बदकिस्मत है ना? चीची मैं नहीं हूँ। तो फिर यही होगी। चीची मैं भी नहीं हूँ। आप इस तरह से लुक मत दीजिए, उसने मुझे बिल्कुल टच नहीं किया। ये क्या तुम लोग बेवकूफ बना रही हो, वो कपड़े निचोड़ता हुआ हमारे सामने ऐसे ही गया, वो सब क्या ऐसे ही नाटक कर रहा था है? जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा चुप रहो, कुछ भी नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। तो इतनी देर तक क्या कर रहे थे, रूम में कबड्डी खेल रहे थे, नहीं तो क्या खो खो खेल रहे थे? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अंकल उसको मैं फिर से लेके आता हूँ और उसको लाके पूछता हूँ इनके साथ उसने क्या क्या किया। बताओ 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 बताओ। ये टकले
साफ साफ बता तूने इन तीनों के साथ रूम में क्या किया। तू जब तक सच्चाई नहीं बताएगा मैं टेंशन से मर जाऊंगा। किया जरूर किया पर अंधेरे में किसके साथ क्या किया बताना थोड़ा मुश्किल है। ये पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या है? परीक्षा। परीक्षा? अरे इनकी परीक्षा तो कब की खत्म हो गई, अब वो किताबें कहाँ मिलेगी। अरे ससुर जी मैं किताबों की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी की कर रहा हूँ। कौन सी परीक्षा? यस, बोतल में पानी और गुलाब का फूल लेकर आओ, मैं दो मिनट में बताता हूँ। ओके, ओनली 5 मिनट। भाई तुझे जो करना है वो कर, जो परीक्षा लेनी है वो ले, पर ये बताओ कैंडिडेट कौन है। ठीक है, ये कुंवारी है। ये मुझे पता था, आ जाओ मेरे पास। ये भी कुंवारी है। डाउट इसका है। ये भी कुंवारी है। देखा मैं पतिव्रता हूँ। क्या पतिव्रता है ये? अगर ये कुंवारी है तो ये दोनों कहाँ से पैदा हुई हैं? ये डाउट मुझे क्यों नहीं हुआ भला? टकले, इस तरह की परीक्षा रखकर हम लोगों को बेवजह मत मार। अरे मेरे बाप, मुझे बता दे कि तूने किसके साथ क्या क्या किया था, वरना तेरे पैर पे सर मोड़ मोड़ के मैं मर जाऊंगा। देखो मेरी पत्नी को साथ भेजोगे तब बताऊंगा। मैं टकले के साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। अरे रोजा बेटी, कितने महान लोग तो टकले होते हैं, और कितने व्यक्ति तो महान बनने के लिए टकले होते हैं और अपना सर मुंडवा लेते हैं। आज का क्रिकेट प्लेयर धोनी भी लंबे बालों वाला है। मकरंद देशपांडे का कर्ली हेयर है, बड़े लोगों के लंबे बाल होते हैं। मैं टकले से शादी नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो बेटी, आप ऐसे इसलिए कह रहे क्योंकि आपके पति यानी कि मेरे डैडी टकले नहीं है। सोचो ग्रुप फोटो जब खींची जाएगी तो ये कितने बेकार लगेंगे, सबसे अलग लगेंगे। आई एम सॉरी। ससुर जी आप फिक्र मत कीजिए, 3 महीना इंतजार कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा मैंने किसके साथ क्या किया है। ये लीजिए पकड़िए लोटा। मतलब उस रात को, अरे वो नाइट। चीची आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो, ये सब तुम्हारे ही साइड से हुआ है। मेरी साइड से हुआ है या उस टकले की साइड से हुआ, मैं कैसे विश्वास करूं, कैसे विश्वास करूं मैं। अरे अरे ये सब कुछ उस टकले की वजह से हो रहा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अरे टकले, ए ऐसे क्यों गाय की तरह चिल्ला रही हो, इधर ही तो हूँ मैं। अरे मेरी बहन की जिंदगी में आग लगा कर आराम से बैठा है तू। आदमी नहीं है, राक्षस है, तू चोर है, तू गुंडा है, तू बदमाश है, तू धोखेबाज है। क्या कहा तुमने? तुम सोचती हो कि तुम्हारी बहन के साथ मैंने गलत किया, लेकिन मैंने उसे टच तक नहीं किया है। और जिस माँ के बारे में तुम ऐसा कह रही हो वो सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी माँ के भी समान है। जिस परिवार ने मुझे टकला समझकर मेरी इतनी बेइज्जती की, वही परिवार मुझे इज्जत से अपनाए, इसीलिए मैंने कसम खाई थी, उसके लिए मैंने नाटक किया, जो कुछ हुआ वो सच नहीं था। प्यार से ज्यादा तुमने बाल को महत्व दिया रोजा। उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था दीदी, जिया जी ने नाटक करने के लिए कहा था। दीदी, जीजा जी और हमने मिलकर ये नाटक किया था, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिए। अरे टकले लोग कोई काम के नहीं होते, ये मेरी गलत फहमी थी, मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी दामा जी, इंसान को दिमाग होना चाहिए, बाल होना जरूरी नहीं। हैट्स ऑफ। थैंक यू। जिसके सर पे बाल नहीं होते वो भी बड़े दिल वाले होते हैं, जो लोग टकले होते हैं वो भी सच्चे इंसान होते हैं। इस बात का मुझे आज एहसास हुआ कि आप बड़े दिल वाले हैं, जरा अपने सर तो नीचे झुकाइए।